आगामी लोकसभा चुनावों से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। विरोध के पहले पायदान पर रेलवे कर्मचारियों के रूप में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन नामक रेलवे कर्मचारियों का एक विशाल संगठन लगातार कड़ा विरोध कर रहा है। सरौ रुड़की रेलवे स्टेशन पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुरानी पेंशन बहाली और नई पेंशन स्कीम को समाप्त किए जाने की मांग को लेकर एक मशाल जुलूस आयोजित किया। इस दौरान नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के पदाधिकारी संजय सालार ने कहा कि वर्ष 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पुरानी पेंशन को समाप्त कर नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी, जिसका विरोध उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन संगठन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी होने तक संगठन द्वारा विरोध जारी रखा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने हाल ही में कर्नाटक के चुनाव में नतीजों को संकेत बताकर केंद्र सरकार को सबक लेने की नसीहत जारी करते हुए कहा कि सरकार समय रहते जल्द पुरानी पेंशन बहाल करे, नहीं तो वर्ष 2024 में कर्नाटक चुनाव की तर्ज पर इससे भी घातक परिणाम भुगतने को तैयार रहे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये हमारा जो संघर्ष है वो पुरानी पेंशन बहाली के लिए है और हम लोग नई पेंशन का विरोध करते हैं। 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के समय में ये पुरानी नई पेंशन बहाल की गई थी और पुरानी पेंशन खत्म की गई थी। तो हमारे महामंत्री जी शिवगोपाल मिश्रा जी का एक ये अभियान है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक हम लोग इसी तरह से अभियान चलाते रहेंगे। जैसा कि आपने अभी देखा है कि कर्नाटक के इलेक्शन में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और नई पेंशन को खत्म करने के लिए जो आपने कर्नाटक में नतीजे देखे हैं, तो उससे आप लोगों को समझना चाहिए और मौजूदा सरकार को भी समझना चाहिए कि हमको पुरानी पेंशन जो है बहाल कर देनी चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम और